वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इंफोटेनमेंट और चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ. अच्छी गाड़ी खरीदना हर किसी की ख्वाहिश है. अगर स्पोर्ट्स कार की बात की जाए तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि वो स्पोर्ट्स कार को खरीदें, लेकिन हर इंसान की ये ख्वाहिश जो है उसको अमली जामा वो नहीं पहना सकते. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ख्वाहिशात जो है उनको पूरा कर लेते हैं लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते. जैसा कि ये वाक्य आपके साथ शेयर करें कि 5 करोड़ मालियत की गाड़ी खरीदने वाले की खुशी सिर्फ चंद लम्हों की साबित हुई जबकि बर्तानिया के शहर डर्बी में महंगी तरीन रेसिंग कार फरारी खरीदने वाले शख्स की खुशी चंद ही लम्हों बाद खत्म हो गई. आप ये इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये क्या वाकया पेश आया जब एक आदमी ने शोरूम से ये गाड़ी खरीदी. गाड़ी खरीदने के बाद वो जैसे ही लेके उसको रोड पर निकला, चंद किलोमीटर का फासला तय करने के बाद गाड़ी को एक खौफनाक हादसा पेश आया. और ये जो एक मकामी पुलिस की जानिब से इसकी तस्वीर सामने लाई गई है उसमें आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो बोनेट है वो भी टूटा हुआ है, उसका जो फ्रंट बम्पर है वो भी टूटा हुआ है. तो पुलिस की तरफ से शेयर की गई तस्वीर में दिखाया गया है कि सुर्ख रंग की चमकीली स्पोर्ट्स कार के अगले हिस्से, खरोंच और बोनेट बुरी तरह से टूट चुका है. और लग्जरी कार जिस गाड़ी को यह हादसा पेश आया है उसका मॉडल नंबर फेरारी 488 है. तो जैसे ही वो शख्स जो पाकिस्तानी मालियत में इसकी कीमत तकरीबन 5 करोड़ रुपए बयान की जा रही है, जैसे ही वो शख्स इसको लेकर शोरूम से बाहर आया, चंद किलोमीटर की मुसाफत उसने तय की, उसके बाद गाड़ी को खौफनाक हादसा पेश आया. और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि जो वो गाड़ी का ड्राइवर था वो तो इस हादसे में महफूज रहा लेकिन गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है. तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप अपनी जो आपकी ड्रीम कार है या कोई भी ख्वाब है उसको आप पाया तकमील तक पहुंचा लेते हैं लेकिन वो खुशी चंद मिनट्स की साबित होती है और उसके बाद आप फिर एक अफसरदा चेहरे के साथ वापस उसी डगर पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये सिलसिला आपने शुरू किया होता है. तो ये एक थी न्यूज़ जो आपके साथ हमने शेयर की है कि हमेशा वो कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेबल जो चीज़ें हैं उनकी उम्मीद आपको ज़िंदगी में रखनी चाहिए कि किसी भी जगह पर कुछ भी हो सकता है आपके साथ. बिल्कुल जी, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ. और काफ़ी अफसोसनाक खबर थी कि बड़ी तगड़ो के बाद आप अपने ख्वाब पूरे करते हैं और उसके बाद कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो आपकी सारी की सारी खुशी. सबसे बड़ी बात है कि आप स्पोर्ट्स कार खरीदें जो कि बहुत से लोगों का ख्वाब होता है लेकिन उसको हर इंसान पूरा नहीं कर पाता, लेकिन कर ले पूरा और उसके बाद ऐसा हो तो फिर ये काफी एक तकलीफ देने अमल होता है. बताते हैं आपको, मिमिक्री आर्टिस्ट ने आलिया भट्ट की आवाज में ऑर्डर मंगवा लिया और पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को उन्होंने पागल बना दिया और वीडियो हमने हाल में ही सोशल मीडिया पर वायरल होते देखी. वैसे ये जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं इनका भी अगले जहां में एक अलग ही किस्म का एक इनके लिए खाना होगा, वहां पर इनका हिसाब किताब होगा कि किस तरह से ये तो ये वो थिंक शी इज चांदनी जो उनकी काफी एक फेमस है मिमिक्री आर्टिस्ट है इंडिया की. अच्छा बताते हैं आपको खबर की कुछ डिटेल. वीडियो में आप लोग देख सकते हैं वो किस तरह से बात कर रही हैं आलिया भट्ट की आवाज़ में और साथ वो रणबीर का भी जिक्र कर रही हैं और उनसे उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पूछ रहे हैं कि आप कौन सा पिज्जा मतलब खाना पसंद करेंगे. मतलब अपने ऑर्डर को ऑथेंटिक करने के लिए, प्रूफ करने के लिए वो ऐसा कर रही हैं कि लगे कि कौन सा पिज्जा खाना पसंद करेंगे आप. बिल्कुल जी, आपको बताते हैं भारतीय मिमिक्री आर्टिस्ट ने आलिया भट्ट की आवाज में बात करके रेस्टोरेंट मुलाजिम को बेवकूफ बना दिया. गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट चंदनी ने फोटो वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्हें रेस्टोरेंट मुलाजिम तक को बेवकूफ बनाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में चंदनी को अदाकारा आलिया भट्ट की आवाज में कॉल में पिज्जा ऑर्डर करते हुए देखा जा सकता है. चंदनी ने हूबहू आलिया भट्ट की आवाज में बात की और आलिया भट्ट की खाने की पसंद नापसंद को भी मद्देनजर रखा और साथ में यह भी दूसरे सुनने वाले को कॉल पर यह ख्याल दिया कि उसके पास रणबीर कपूर मौजूद है और वो उनसे पूछना चाह रही है कि आप कौन से फ्लेवर का पिज्जा खाना पसंद करेंगे. तो पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को और डिलीवरी बॉय को सबको उन्होंने पागल बनाया और बड़े ही मजे से हम देखते हैं कि वो बड़े ही रिलैक्स होकर फोन पर बात कर रही हैं और ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुई इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनके तो धड़ाधड़ वायरल होना शुरू हो गई और लोगों ने तरह तरह के ख्यालात का इजहार किया. बिल्कुल,
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। थी ये वाकया के, लेकिन इस तरह के कभी कभार बहुत बड़े हादसा की तरफ भी लोग गए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई हैं लोगों को, तो कोई भी मजाक हो उसको मजाक की हद तक ही रहना चाहिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डार्विन की चोरी शुदा कीमती नोटबुक 20 बरस बाद लाइब्रेरी को मौसूल हुई है। कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी है जहाँ पर चार्ल्स डार्विन की लिखी हुई, उनके हाथ से लिखी हुई दो नोटबुक्स थी जो कि चोरी हो गई थी, या दूसरे लफ्जों में उनको कहें कि वो गुम हो गई थी, क्योंकि उन्हें एक एग्जीबिशन के लिए निकाल के रखा गया, जिसके बाद वापस जब चेक किया गया तो वहाँ पर वो लाइब्रेरी के उस खाने में मौजूद नहीं थी, वहाँ नहीं मिली थी। तो वो आज बाज़ाब्ता तौर पर अब जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियन को वो वापस मौसूल हो चुकी हैं, तो जिसके बाद कैम्ब्रिज भर में एक काफ़ी एक खुशी की लहर पाई जाती है कि इतनी तारीखी जो डायरियां हैं जो खो गई थी वो आज बाकायदा तौर पर वापस मिल गई हैं। ये पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं कि बज़ाहिर अगर इस चीज़ को देखें तो ये एक फिल्मी सीन लगता है। उमूमी तौर पर हम फिल्म या ड्रामास के अंदर देखते हैं कि कोई नोटबुक या डायरी किसी की खो जाती है, लिखी हुई ज़ाती डायरी, और काफ़ी सालों बाद वो दोबारा मिलती है, तो उसको देख के लोगों का जो है वो एक खुशी जो है वो दीदनी होती है। ये 2001 में गायब हो गई थी। इन अनमोल अशिया की कीमत किसी भी तरह लाखों डॉलर से कम ना होगी। जाहिर है जी, चार्ल्स डार्विन के हाथ की लिखी हुई डायरी वो वाकई लाखों रुपए डॉलर से भी कम नहीं होगी। तो इसकी सबसे अहम बात यह है कि उनमें से एक नोटबुक में शजरे हयात चार्ल्स ड्रॉन ने अपने डार्विन ने अपने हाथ से 1837 में एक खाका भी बनाया था जिसे ट्री ऑफ लाइफ का नाम दिया गया था। ट्री ऑफ लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो बेसिकली वो डार्विन की ही एक ने इसको बनाया था। डिफरेंट थेरीज भी लिखी इसने, लेकिन ये भी इन्होंने अपने हाथ से एक डिज़ाइन किया था। इस लाइब्रेरी 2001 में चार्ल्स डार्विन के दोहम रोजनामचे जैसे जनरल इस लाइब्रेरी से गायब हो गए। इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मकामी पुलिस और इंटरपोल के अलावा पूरी दुनिया से इस खजाने की निशानदेही की इस्तदा की। बड़े बड़े इनाम भी ऑफर किए गए थे ऑस्ट्रेलियन मेंबर के, अगर जो इसको ढूंढ के देगा उनको इतने डॉलर प्राइस दिया जाएगा, और पूरी दुनिया से अपील की गई थी क्योंकि कीमती असासा था कि ये जिसको भी मिले, जिसके नोटिस में है वो इन्फॉर्म करे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर आज ये वापस मिल चुकी हैं। वाकया कुछ यूं हुआ कि लाइब्रेरियन के नाम एक गुमनाम लिफाफे में ये दोनों नोटबुक्स जामे कैम्ब्रिज को मौसूल हुई। लिफाफे पर हैप्पी ईस्टर की मुबारकबाद के अल्फाज तहरीर थे। ये लिफाफा डाक के एक ढेर वाले बैग में कई रोज तक पड़ा रहा क्योंकि 9 मार्च से ये फर्श पर एक थैले में रखा था, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि ये बैग कौन छोड़कर गया क्योंकि वो इलाका सीसीटीवी फुटेजेस की रेंज से बाहर था। लाइब्रेरी के अमले ने बताया कि जब ये नोटबुक्स गायब हुई तो सबके दिल बुझ गए और वो बहुत अफसरदा थे। तहम कीमती असासे के बाद पूरा अमला खुश हो गया है। पहले तो वो जो एक लाइब्रेरियन के नाम एक पार्सल आया उसको किसी ने नोटिस नहीं किया और उसको रख दिया गया कि शायद कोई पार्सल होगा, लेकिन जब उसको खोला गया तो उसके बाद ये दो डायरियां सामने आईं तो उनकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। नवंबर 2000 में स्कैनिंग के लिए दोनों डायरियां बाहर निकाली गई थी और उन्हें वापस उसी मकाम पर रखना था। तहम जनवरी 2001 में दोबारा चेक किया गया तो नोटबुक मौजूद नहीं थी। इसके बाद तमाम खाने देखे गए, पूरी लाइब्रेरी छानी गई थी, लेकिन नोटबुक्स नहीं मिली थी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर अपील की गई थी पूरी दुनिया से मुख्तलिफ एजेंसीज के ज़रिए से कि अगर किसी को ये मिले तो वो वापस कैम्ब्रिज को इसको पोस्ट कर दें और उन्हें बाकायदा तौर पर उसका मुआवजा जो है वो मुहैया कर दिया जाएगा। लेकिन अब शायद आप कह सकते हैं कि किसी ने दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि तो एक रजाकराना तौर पर डायरियाँ ढूँढ कर वापस की हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पैसे अदा करो तो पानी पियो, ऑफिस मुलाजमीन पानी फरोख्त करने पर मालिक पर तनकीद करने लगे। ऑफिस में पानी फरोख्त होने लगे हैं कि पे करके आप पानी पी सकते हैं ऑफिस अपने वर्क स्टेशन पे। एग्जैक्टली, और पानी एक ऐसी चीज है जिसे आब हयात कहा जाता है, मतलब जो पीने से, जो पिए बगैर आप ज्यादा देर नहीं महसूस कर सकते हो कि आप जिंदा रह सकते हो। और पानी जैसी चीज दूसरे को पिलाना हर मजहब में, हर कंट्री में एथिक्स के मतलब मौतबर समझा जाता है, और एटिकेट्स होते हैं कि आप अगर कोई बाहर से आए तो उसे पानी पूछा जाए। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं आज के दौर में जिन्होंने वाटर टैंक पर एक कीमत लिखकर लगा दी है कि इतने पैसे आप महाना पे करेंगे
उसके बाद आप जितना चाहे मर्जी पानी पी सकते हैं। तो इस खबर की डिटेल आपको बताते हैं। इंटरनेट पर सार्फीन ने जब ये वीडियो और पिक्चर वायरल होते हुए देखी तो तरह तरह के ख्यालात का इजहार किया। अच्छा, आपको बताते चलते हैं कि पानी एक अजीम नेमत है खुदा ताला की, जिसे पिलाना सवाब भी समझा जाता है। लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है जहां एक निजी कंपनी, हम उसे कहेंगे निजी कंपनी, में एक मुलाजिम ने इस चीज़ को नोटिस किया और इसकी पिक्चर खींच कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और लोगों ने काफ़ी तनकीद का मुजाहरा किया, काफ़ी तनकीद देखने को मिली इस कंपनी को कि अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आपको महाना $5 पे करना पड़ेगी फीस, और फिर आप इस वाटर टैंक से जितना चाहेंगे पानी पी सकेंगे। तो इस खबर के बारे में आपको मजीद बताते हैं। अच्छा, रेमी ब्रेडी नाम ही मुलाजिम है जो एक निजी कंपनी में काम करते थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कूलर की तस्वीर शेयर की जिस पर पानी के पैसों की अदायगी से मुतल्लिक नोटिस लिखा हुआ था। अच्छा, अब इस हवाले से किसी भी किस्म का नोटिस लेने के लिए कोई ऐसे पुलिस से राबता नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हर पर्सन की अपनी मर्जी होती है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हाँ, निजी अदारे में कि आप लोग क्या चीज़ कैसे देना चाह रहे हो। लेकिन अगर इखलाकियात की बात की जाए तो इखलाकियात के बिल्कुल अगेंस्ट है इस तरह का काम। खैर, हमारी आज की ये खबर थी इंफोटेनमेंट की जो हमने आपसे शेयर की। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिएगा।